अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे उस मेडिसिन का नाम है डिप्रिल टैबलेट। डिप्रिल टैबलेट में जो मेन साल्ट या मेन इंग्रेडिएंट यूज़ होता है उसका नाम है ट्राजोडोन। ट्राजोडोन एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। इस मेडिसिन को आप मेजरली तौर पर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोमनिया, पैनिक डिसऑर्डर में इस्तेमाल कर सकते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें मरीज को खुदकुशी के ख्याल आते हैं। मरीज अक्सर परेशान रहता है। इसके साथ साथ डिप्रेशन का मरीज सेक्सुअल डिसफंक्शन का शिकार हो जाता है। उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। इसके साथ वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। उसका किसी काम में दिल नहीं लगता। इसके साथ उसका खाने और सोने का सारा पैटर्न चेंज हो जाता है। तो इस डिप्रेशन के इलाज के लिए SSRI मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। SSRI हमारे दिमाग में सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाते हैं। सीरोटोनिन हमारे मूड को बेहतर करता है और हमारी फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। SSRI को पैनिक डिसऑर्डर में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर मरीज किसी सदमे से दो चार हो जाए तो उसको रिकवर करने के लिए SSRI मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा SSRI मेडिसिन को वहम की बीमारी यानी OCD में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। SSRI मेडिसिन के अगर साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इससे मरीज़ को इंसोमनिया हो सकता है, एजिटेशन हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, हेडेक हो सकता है। इसके अलावा सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है।